प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे खास पकड़ और गहरी नजर रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों न सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे वो हुकूमतें बनाने और खत्म करने की सलाहियत रखे? सबसे बड़ा वेपन उनके पास मजहब का कार्ड है, इस्लाम। इस्लाम खतरे में कर देते हैं, डाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेपन उनके पास क्या है, जिसका जो पाकिस्तान की फाउंडेशन में घुसा हुआ है और वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही चीज है। वो चीज है आपका शुभ शुभ मदरसे, वहां से बच्चों को लेके आने की सलाहियत उनके पास। मौलाना फजलुर रहमान पर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी कोई विजन नहीं है पाकिस्तान की, कोई विजन नहीं। मगर दो दिन पहले तो मौलाना साहब भारत की भी बड़ी तारीफें करते रहे। तारीफ तो करनी, इस वक्त भारत राइज जो कर रहा है नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को, अंधों को भी नजर आ रहा है कि भारत राइज कर रहा है, तो उनका कहना कौन सा। इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे कि जी देखें उनकी फॉरेन पॉलिसी, देखें भाई वो देखें जब दिल करता है रशिया से तेल ले ले, तुम IMF से टुकड़ों पे टुकड़े छोड़ो तो तुम भी तेल ले लो जहां से मर्जी। रशिया से तेल तो कैश पे मिलता है ना, वहां से कर्जों में तो नहीं मिलता। तुमने पाकिस्तान को तबाही से कभी इसके पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की हो तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो ना। अगले दिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट मुआशी तरक्की जरूरी है। और मैं हर हंदे को भी पता है इस बात का कि जब आप घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फॉरेन पॉलिसी तो उसके बाद की बात है। जहां से पैसा आता है टर्म्स कंडीशन साथ आती है, ये हर अंधे को पता है। ये 250 मिलियन लोगों को तो शायद नहीं पता, लेकिन हर अंधे को पता है कि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भूल जाए। आप क्या फॉरेन पॉलिसी, आप फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग सीखो पहले। हिस्ट्री मैं तो समझता हूँ गलत हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के लोगों को पाकिस्तान में आपने खराब कर दिया। हमारे जैसे लोगों को रिसर्च करने के लिए 5,000 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपका माजी क्या है। मैं तो अभी देख रहा हूं कि आपने चाइना के साथ क्या करते रहे हैं, आप अमेरिका के साथ क्या करते हैं, लूट लूट के आपने दूसरे मुल्कों को यहाँ पर टोरंटो, लंदन और दुबई सारा खरीद लिया। पता नहीं कि मैं तो, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं IMF फ्यूचर में आरजू में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा फ्यूचर में। उसकी वजह यह है कि एज एन अमेरिकन सिटीजन मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है इन करप्ट लोगों को देते हैं और इनसे पूछते नहीं भी कहां लगाओगे, पूछते भी नहीं है। मगर सर आप इतना हल्के में ले रहे हैं, आपको पता नहीं अब ये चंद्रयान 3 को जो चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट, उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कोई खबरें लगाने के लिए, तो आप भी को बच्चा भेज दें। तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे ये पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल नहीं बना सकते, आप चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू, मैं ये मेरा क्वेश्चन है। हम 250 मिलियन लोगों में से हर एक के लिए क्वेश्चन है, चैलेंज करो उसको। 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी, और तुम कहते हो हम गरीब मुल्क है। गरीब कहां हो भाई, तुम लूट के खा गए हो इसको, ये तो सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए। तुमने तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको बेवकूफ नहीं बनाया आपने। ये तो मैं हैरान होता रहता हूँ कि पता नहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती क्या है आपसे, इतनी दुश्मनी है आपसे, इतनी दुश्मनी कि वो 5,000-6,000 लोगों के घर टोरंटो में, लंदन में, दुबई में बन रहे हैं और उनको सलसल पैसे दे रहे हैं। अब 3 साल के लिए सुना पैकेज दिया जा रहा है 6 से 8 बिलियन डॉलर। पता नहीं उसका वो क्या करेंगे, कितने घर लेंगे, ये दुबई शायद हो सकता है सारे ही ना खरीद लेंगे, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। मुझे तो आरजू आप पॉसिबल है जी, मुझे तो आपका फिक्र होता है कि आपके गुर्दों के, इन सब की नजर आपके गुर्दों पे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसी तरह लग रहा है। लेकिन IMF से खैर पैसा लेके भी लग नहीं रहा कि ये खुश होंगे या दोबारा एक और प्रोग्राम में जाने की भी बात हो रही है। खैर ये तो चल ही जाएगा। 6 से 8 बिलियन वो है जो जिसके लिए वो 3 से 4 साल का कर रहे हैं बातें, इस वक्त वो चल रही है।
और वो कभी कहते हैं सऊदी अरब से आप पीआईए ले लें, कभी कहते हैं, आज बिलावल भुट्टो साहब का था कि हम ये नहीं बेचने देंगे ना पीआईए ना स्टील मिल, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाए, हम फॉरन किसी को नहीं लेने देंगे। अंदर के भी झगड़े कई चल रहे हैं, लेकिन ये कि किसी की नजर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, करप्शन की तरफ नहीं है किसी की नजर भी। और जब तक इन करप्शन नहीं रोकेंगे, जब तक ये MBS के साथ जाके हमारे आर्मी चीफ साहब ये मशवरा नहीं उनसे एडवाइस लेंगे कि इनको 5-स्टार होटल में ले जाके पैसे किस तरह लेने हैं, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। जब तक आप लोगों को सजा नहीं देंगे पाकिस्तान को लूटने की, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप तरक्की तो बाद की बात है जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन बड़े आसानी से कह दिया, जिन लोगों को हमने बोझ समझ के उतारा था आज वो भी हमसे आगे निकल चले गए बांग्लादेश के बाद। और इस तरह बातें करने से नहीं होती चीजें, जब तक दिल से एडमिट ना करोगे तुमसे गलतियां हुई 1947 से लेकर, जो कुछ तुमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया। पहले ब्यूरोक्रेसी, आपका वजीर आजम बनने के लिए ब्यूरोक्रेट होना जरूरी था क्योंकि दूसरे लोग तो बेचारे अनपढ़ थे। फिर उसके बाद जब अयूब खान साहब आए तो गैरिजन स्टेट बनी है, उसके बाद आपने पलट के देखे ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं मुसलसल जहां बैठता हूँ लोग मुसलसल, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी मेजोरिटी को जो है पीटीआई सपोर्टर है, सारे सारा दिन फौज को गालियां देते हैं, उनसे मैं अगले दिन भी मैंने ये पूछा भी फौजी कौन है, जर्मन है, फ्रेंच है, कौन है, पाकिस्तानी है, हमारे बहन भाई है, उनको उनका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की करे, उनका भी दिल चाहिए ना कि पाकिस्तान आज किस हालत में पहुंचा हुआ है भाई। किसी भी जजों से पूछ ले, जज पाकिस्तानी नहीं है, फ्रेंच, हाँ ये आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ द लाइन चला गया आरजू, आपके सारे जज पाकिस्तानी नहीं है, ये गलती से हो गया। आजकल ये भी आजकल बहुत खबरें चल रही है कि आपके मेजोरिटी जो है जजेस वो ग्रीन कार्ड है, उनके डुअल सिटीजन है, ये भी खबरें हैं। इतने मसूख से मैं ये कह सकता हूं कि मेजॉरिटी जजेस की बीवियां और बच्चे फॉरेन नेशनल, उनका तो मुझे भी पता है। लेकिन तो ये सबसे पहले तो इनको ये खत्म करना चाहिए ना, जो दो दो पासपोर्ट लेके लोग यहाँ बैठे हैं, जब ये खत्म होगा तो सही होगा। आरजू आपके इतला के लिए अर्ज करूंगा, भारत में इस तरह नहीं, हाँ बिल्कुल भारत में नहीं है, भारत में ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ जो देखे ना, जंगल का बादशाह अंडे दे बच्चे दे, वो क्या फर्क, यही तो वो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जो लूट रहे हैं। फिर वो क्या, उन्होंने लूट के भागना भी तो होता है, लूट के भागना होता है। चले उसमें तो लेकिन आरजू एक सिंपल चीज है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, मेरे ख्याल में फंडामेंटल सी चीज है, ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही ये असूल है। जब तक कौमों के अंदर कौमियत नहीं होगी, कौम के अंदर प्राइड नहीं होगी, जब एक बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही वो कहता है भी मैंने टोरंटो में जाना है, मैंने लंदन या दुबई में रहना है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। आज किसी एम्बेसी को आपके छोड़े वीजे खुले करें आपके तमाशे, आप तो रशिया चल जाते हैं भाई बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आप तो रशिया जहां से भूखमरी पड़ी यहाँ पे। लेकिन आज वीजे खोले तो मैं समझ रहा हूँ सब दाढ़ियों वाले सबसे पहले होंगे वहां पे आगे, जो सारा दिन अमरीका को गालियां निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये भी सुनने में आ रहे हैं कई, बल्कि पीटीआई के लोग ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वही पहले की तरह अड्डे दे दिए, सब स्पेस दे रहे हैं उसको अमेरिका को, ताकि ईरान और अफगानिस्तान पे अटैक के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा एक बार ये सब कुछ देखने को मिले? आरजू आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसी बात हुई तो हम फौरन देंगे, रोकेंगे क्योंकि पैसों के साथ देंगे, हम फ्री थोड़ी अड्डे देते हैं। मरवत साहब कह रहे थे, वो जो पीटीआई के वाडा साहब कह रहे थे, मैंने देखा कि वो गलत बात नहीं करते, उनकी चीजें जो है उनकी बातें सच्ची होती हैं। लेकिन अगर अमेरिका को जरूरत हुई तो आप ना नहीं करेंगे, कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा, अमेरिका ने अभी आज तक आपके रैकेट के हिसाब से कभी फ्री अड्डे नहीं लिए, ना दिए हैं ना लिए हैं, ना आप लेते हैं फ्री अड्डे, ना ये लेते हैं फ्री अड्डे, आप अड्डों के पैसे लेते हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात है। आपने तो 1950 से उनको पिशावर का अड्डा दिया था, बल्कि U-2 जो जहाज गिराया था रशिया ने, मुझे आज भी याद है जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो वो पिशावर से उड़ा था, वो उन्होंने गिराया था, और उसके बाद रशिया ने थ्रेट किया था कि हम इसके ऊपर एटॉमिक बम फेंकेंगे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने माफी मांगी थी बल्कि उस वक्त। तो अड्डे देने लेने वाली कोई बात नहीं थोड़ी है, आप तो ना करते नहीं है। हाँ पैसे, मेरी ये ख्वाहिश दूर होगी कि पैसे अच्छे लें, आप बड़ा सस्ते दे देते हैं जगह, पता नहीं क्या बात है, आपको नेगोशिएशन सही नहीं आती, आपको चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वो किताब नेगोशिएशन पढ़ लें ताकि आप रेट अच्छा ले सकें।
आप सस्ते, आपसे वो एट को, आपसे कोई एक अंडा मांगे तो आप दो फ्री दे देते हैं साथ। ये दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और जिस तरीके से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है पूरे विश्व भर की इस समय भारत के ऊपर नजर है, खासकर चुनावों के वक्त पे। और आपने देखा जैसे कि आरजू काजमी जी ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान भारत के चंद्रयान को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। जी हमें भी इंतजार रहेगा कब पाकिस्तान चांद पे पहुंचता है। बाकी आपने खुद देखा साजिद तारा साहब ने यह कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां से पाकिस्तान ने भीख ना मांगी हो। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।